सोलन के औद्योगिक क्षेत्र चंबा घाट में स्थित उद्योग में आग लग गई। जैसे ही आग फैलने लगी, इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचा और भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सोलन के औद्योगिक क्षेत्र चंबा घाट में स्थित उद्योग में आग लग गई। जैसे ही आग फैलने लगी, इसकी सूचना तुरंत इसकी जानकारी दमकल विभाग को दे दी गई। दमकल विभाग अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचा और भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार इस उद्योग में पाइपें बनाने का काम होता था, साथ में एक अन्य उद्योग का स्टोर था। ये दोनों ही आग की चपेट में आ गए। अधिक जानकारी देते हुए लीडिंग फायरमैन देवेंद्र कुमार ने बताया कि जैसे ही उन्हें चंबा घाट में आग लगने की सूचना मिली, उनकी दो टीमें मौके पर पहुंची तो पाया कि उद्योग में भयंकर आग लगी हुई थी और दोनों टीमें आग बुझाने में जुट गई। करीबन आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया है। उन्होंने बताया कि आग लगने से उद्योग को करीबन 5.50 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि आग लगने के क्या कारण रहे होंगे, इसके बारे में जांच की जा रही है। लीडिंग फायरमैन देवेंद्र सोलन, फायर स्टेशन सोलन, हमें आग की सूचना सुबह 7:58 पर मिली, जो कि सूचना हमें 108 से मिली। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए हम दो टर्नआउट मौके पर ले गए और दोनों टर्नआउट ने मौके पर जाकर अच्छा काम किया और आग को 35-40 मिनट में पूर्ण रूप से बुझा दिया। इस आग से नुकसान लगभग 5 लाख रुपए का है। बालमकंद पाइप फैक्ट्री बढ़ेगा और बसंत के मल में एक पाइप फैक्ट्री, उनके एक खिड़की और थोड़ी चादर जल गई, उनका 50,000 रुपये का नुकसान आंका गया है। आग लगने का कारण अज्ञात है, अभी इसका मुआयना किया जा रहा है, इसकी पूरी छानबीन कर रही है। तो ये था आज़नपर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एचओडी के साथ। नमस्कार।